आज हम बनाने जा रहे हैं हनी चिली पटेटो। बहुत ही टेस्टी और यम भी बनते हैं, कम समय में ये बन जाते हैं और सर्दियों के टाइम में गर्मा गर्म इनको बनाइए और खाइए, बहुत ही अच्छी लगेंगे। और ये 5 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं गाइस, तो चलो देख लेते हैं इसकी एक बार रेसिपी। हनी चिली पटेटो बनाने के लिए यहाँ पर हमने कैप्सिकम लिया है, और ये हमने 4 आलू ले लिए हैं जो हमने पीसेस में इस तरह से काट लिए हैं। एक अनियन ले लिया है और इसके भी इस तरह से पीस, और ये हमने 2 गार्लिक ले लिए हैं जो कि हमने चॉप करके रखा हुआ है। 1/2 टीस्पून हमने विनेगर ले लिया है और 1 स्पून हनी ले लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है और सॉस ले लिया है केचप, और ये हमने 1 स्पून सोया सॉस ले लिया है, ग्रीन चिली सॉस ले लिया है, और ये वाइट तिल ले लिए हैं और बस, और ये नमक ले लिया है। तो बस बनाना स्टार्ट करते हैं हनी चिली पटेटो। गैस हमने स्टार्ट कर ली है और इस पर रख दिया है पैन। पैन में हमने तेल डाल दिया है, किचन ऑयल आप जो आपको अच्छा लगे वो डालिए और इसको गर्म कर लें, और जब ये गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें अपने पटेटो डाल के इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए पटेटो हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर देखिए इस तरह का ही हमें रखना है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। सारे पटेटो इसी तरह से हम निकाल लेंगे फ्राई करके, और इसमें अभी ऑयल ज्यादा है तो हम इसका थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे। अब हम इसमें ये गार्लिक डालेंगे, अनियन डालेंगे, अब ये हम कैप्सिकम डालेंगे, तो अब हम टमाटो केचप डालेंगे इसमें, सोया सॉस डालेंगे, और ये ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, हनी डालेंगे, व्हाइट विनेगर डालेंगे, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक, सभी को मिलाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी थोड़ा सा ये ग्रेवी थिक हो चुकी है, और बस अब हम अपने इसमें पटेटोस डाल देंगे और मिला लेंगे। और ये हमारा हनी चिली पटेटो बनके रेडी हो चुका है गाइस। ये हमारा हनी चिली पटेटो तैयार है, देखो कितनी जल्दी बन गया, झटपट बनने वाली रेसिपी और इजी एंड टेस्टी, तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिए। थोड़े से वाइट तिल डालेंगे, तो ये हमारे रेडी हैं हनी चिली पटेटोज़।